रेसिपी, आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बनाएंगे साबूदाने की टिक्की, और इस नवरात्रि में 9 दिन के व्रत रहते तो कुछ अलग अलग ट्राई करके खाने का मन होता है, और एक ही चीज़ हम साबूदाने की खिचड़ी डेली खाए तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी साबूदाने को भिगो के रख दिया, तो वो फूल के काफ़ी अच्छे बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 आलू, मैंने 20 में से उसको कट करके बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं साबूदाने की टिक्की के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 आलू को ले लिया है और अच्छे से मैंने हाथ से मैश कर लिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आटा। तो आटा आप चाहे राजगिरी का आटा, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, कोई सा भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास था कुट्टू का आटा, तो मैंने वही ऐड किया है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आलू आटा सब ज़्यादा डालो, सेम क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, नहीं तो जब हम टिक्की बनाएंगे ना तो हमें फिर ऐसा लगेगा आटा ज़्यादा डालेंगे तो आटे का स्वाद आएगा। तो जो अपन इसमें ऐड कर रहे हैं सबका स्वाद थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने कुट्टू का आटा ऐड किया है, और थोड़ी सी ग्रीन चिली मैंने डाल दी, तीखा काफ़ी मुझे पसंद है तो चटपटा मैं बनाऊँगी। आप लोगों को तीखा जिस हिसाब से चाहिए आप उतना ही क्वांटिटी रखें। और यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच मूँगफली ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने मूँगफली को सेक लिया और दरदरा पीस लिया है, और इसी के साथ मैं नमक ऐड कर दूँगी। ब्रद वाला जो नमक होता है वो मैं 1 चम्मच ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्च बोलते हैं, आप घर पे थोड़ा सा दरदरा कूट ले तो इससे क्या इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो टिक्की में आप ज़रूर इसे ऐड करें। तो अब हम इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जो धनिया होता है आप उसको भी बारीक बारीक कट करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और बस हमें बहुत सॉफ्ट और अच्छा सा डो तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो बिल्कुल बन के तैयार, और इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा डो बनाना है हमें, बिल्कुल नरम भी नहीं और बिल्कुल हार्ड नहीं, मीडियम साइज हमें बनाना है। तो बस इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और यहाँ पे हम बना लेंगे आलू की सब्ज़ी, क्योंकि टिक्की के साथ जब हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर लूँगी, आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो ब्रद वाला ऑयल होता है मूंगफली का आप वो वाला यूज़ करें। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी टोमेटो और ग्रीन चिली, इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी। और बस 1 मिनट के लिए हमें इसको चलाना है ताकि हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्टनेस सा हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं चलाते रहना। इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च तो आप ज़रूर ऐड करें, और बस नमक ऐड करना है हमें व्रत वाला। और इसको वापस हम चला देंगे। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब तरी वाली जो बोलते ना सब्ज़ी उस टाइप में बनाऊँगी। आप चाहे तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से सूखा सब्जी भी आप इसकी बना के खा सकते हैं, पर जो टिक्की के साथ ना थोड़ा सा रसा वाला सब्जी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पोटैटो मैंने ऐड कर दिया है और उसको मैंने बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लिया है। और इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। वो 2 से 3 बॉईल आने के बाद हमारी सब्जी भी बिल्कुल रेडी, झटपट बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप एक बार घर पे ट्राई करना, कुछ नया बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट बाद हम वापस चेक करेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार, और ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। तो बस हमारी सब्ज़ी भी रेडी। और यहाँ पे हम हमारा डो देख लेते हैं, ये भी 15 मिनट बाद हमने चेक किया, ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा मिक्स हो गया है। तो यहाँ अब हम बनाते हैं टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप इसको ना बिल्कुल पकौड़ी की तरह भी आप बना के डाल सकते हो, और शेप आपको चाहे बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से लीजिए। और यहाँ पर हाथ में अगर आपके थोड़ा सा चिपके तो आप घी या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से गोल गोल राउंड में हम घुमा लेंगे, और बीच में थोड़ा सा जैसे हम बालूशाही बनाते हैं थोड़ा बीच में से हम इसको प्रेस कर देंगे, ताकि क्या है ना हमारा जो टिक्की सिकेगा ना बीच में से और साइड से बहुत अच्छा क्रंची और सॉफ्ट सा टिक्की बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमें हमारी टिक्की बना के तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं ये हमने फर्स्ट टिक्की बना के रेडी की है। अब सेकेंड वाला भी सेम प्रोसेस से हम इसी तरीके से बनाएंगे, बस इसी तरीके से हाथ से। आप चाहे तो बिल्कुल बीच में से अगर हॉल ना करे इसी तरीके से भी आप बना के इसको डाल सकते हैं, पर वो क्या है ना थोड़ा अच्छे से नहीं सिकेगा। हम बीच में से थोड़ा सा हॉल कर देंगे ना तो बहुत अच्छा और क्रंची सा सिक के तैयार होगा। और यहाँ पे सारे टिक्की हम सेम प्रोसेस से बना लेंगे।
लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक पैन को गरम करने रख दिया और ऑयल भी मैंने साथ में उसमें ऐड करके गरम करने रख दिया। और यहाँ ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो गया है हमारा। और एक एक करके हम टिक्की सारा इसमें ऐड कर देंगे। और एक चीज़ है, यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल हाई नहीं रखना, मीडियम पे रखना है। उससे क्या, टिक्की हमारे अगर गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे टिक्की जल जाएगा और अंदर से अच्छे से क्रंची वाला सिक के तैयार नहीं होगा। और जब हम इसमें टिक्की को ऐड करेंगे तो हाथ हाथ आप करछे से ना चलाएं, 2-3 मिनट बाद ही आप इसको अलट पलट करें। तो यहाँ पे देखिए हम 1-2 बार इसको अलट पलट लेंगे ताकि वो अच्छे से सिक जाए। और कलर आपको आपको जिस हिसाब से चाहिए, गोल्डन ब्राउन या नॉर्मल, आप अपने हिसाब से रखें। तो मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन किया, उससे गई क्रंची और बहुत टेस्टी। तो यहाँ देखिए हमारे जो टिक्की बन के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसको ना एक एक करके सारे टिक्की को निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे टिक्की को निकाल लिए हैं और यहाँ देखिए हमारे टिक्की कितने बढ़िया सा बन के तैयार हुआ है। आ गया ना मुँह में पानी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना लूँगी दही का रायता। तो दही का रायता फ्रेंड्स मैंने पहले भी मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है नवरात्रि में, तो वो वाला रायता जो था अलग था, तो आप उस वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओनली सिंपल सा बना रही हूँ, अनार के दाने और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया मैंने इसको, और ऊपर और थोड़े से मैंने नमक ऐड कर दिया है व्रत वाला, और ऊपर से जीरा पाउडर। जीरे को मैंने भून के थोड़ा सा पाउडर बना लिया, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और दही को भी आपको अच्छे से फेंटना है, तभी जाके हमारा जो रायता है बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे हमारे रायता भी तैयार। तो अब मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम आलू टमाटर की जो सब्ज़ी है वो मैं यहाँ पे सर्व कर दूँगी, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे यहाँ पे रायता हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रायता भी ऐड कर दूँगी। तो बस ऐसा है ना कि व्रत वाली थाली मतलब देख के लगनी चाहिए, मुंह में बस पानी आना चाहिए, खाने का मन हो, कुछ ऐसा ही होता है 9 दिन के व्रत में, थोड़ा अलग अलग ट्राई करना चाहिए। तो बस यहाँ पे ऊपर से थोड़े अनार के दाने भी मैंने ऐड कर दिए, और यहाँ पे सारे टिक्की को रख दूँगी, और थोड़े ग्रीन चिली को मैंने हल्का सा ऑयल में भून लिया था, और इसी के साथ बस ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर दूँगी मैं दही में। तो यहाँ देखिए हमारी व्रत वाली थाली बन के तैयार। तो यहाँ पर मैं एक टिक्की आपको तोड़ के बताती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारी टिक्की कितनी सॉफ्ट और क्रंची बनके तैयार हुई है, ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, और वाकई में बहुत टेस्टी टिक्की बनके तैयार हुई। तो आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।